सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सक्सेस गेमर। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या आपका रैम मैटर करता है वन टाइम हेडशॉट लगने या न लगने के ऊपर, या फिर अगर आपका कम जीबी रैम का मोबाइल है या फिर वन जीबी, 2 जीबी, 3 जीबी, तो इन मोबाइल रैम के लिए मैं एक हेडशॉट की ऐसी सीक्रेट ट्रिक लेकर आया हूँ, जिससे कि ये 5-6 मिनट की आप जो क्लिप देखोगे इसमें सारे मेरे हेडशॉट है। एंड यहाँ पर गाइज, मैं लो डिवाइस में नहीं खेल रहा था, लेकिन ये मैंने ट्रिक यूज़ की है, उसकी वजह से मेरे हेड लग रहे हैं। एंड अगर आपका लो डिवाइस है, आपके हेड नहीं लग रहे हैं, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। भले आप किसी वीडियो को पूरा देखो या ना देखो, इस वीडियो को पूरा देख लेना ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में गाइस लगभग 7-8 मिनट जो ये मॉन्टेज चलेंगे वन टैप के, ये मैंने सिर्फ एक ही मैच में रिकॉर्ड किया है, एक ही ट्रेनिंग ग्राउंड में। मैंने 25 मिनट का गेम खेला था, उसमें से गाइस इतनी मैंने क्लिप जोड़ी है, आप खुद देख लो कि मैंने कितने वन टैप मारे हैं। तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, इस वीडियो में जो डिटेल आपको मिलने वाली है, जिससे गाइस डैम श्योर कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वन टैप से लेकर, कि वन टैप कैसे मारते हैं। अगर आपका लो डिवाइस है या फिर जो भी है गाइस, आपका कम जीबी रैम का मोबाइल है, जो भी ये हैंग करता है, लैग करता है, इस वीडियो को एक बार पूरा देख लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गाइस क्या क्या बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका लो डिवाइस है तो कैसे आप हेड मार सकते हो, एंड अगर आपका लैग करता है तो कैसे आप हेड मार सकते हो। एंड दूसरी बात कि जब आपका लो डिवाइस तो है, लेकिन उसमें आप कैसे मैनेजमेंट कर सकते हो वन टैप हेडशॉट के लिए, कैसे आप एकदम प्रोफेशनल मूवमेंट कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जो लाल कलर का बटन है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्रेस मतलब बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आगे भी लाते रहते हैं। एंड अगर आपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर दीजिए, वहाँ पर हम छोटी छोटी अपडेट लाते रहते हैं, एंड वन टाइम हेडशॉट के मॉन्टेज वगैरह अपलोड कर लेते रहूँ। तो अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर कर सकते हो, मैं कोई ज़बरदस्त नहीं कर रहा हूँ, आपकी चॉइस है। अगर आप भाई के मतलब भाई को प्यार करते हो तो कर दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन सब्सक्राइब फिर बोल रहा हूँ गाइस कर दो, क्योंकि ऐसी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहीं मिलती हैं, आपको ऐसे वीडियो यहीं मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। तो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर दो, एंड इसको हेड मारने की शुरुआत स्टार्ट करते हैं। तो देखो हेड मारा एंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग लॉबी में आए थे, ये जो आपने वन टैप देखे उससे पहले का ये मतलब रिकॉर्ड है। तो हम लॉबी में आए थे, अभी हम लोग ट्रेनिंग ग्राउंड स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले यहाँ पर गाइज मैं जाता हूँ ग्राफिक्स में, बेसिक ग्राफिक्स में। अगर आपका लो डिवाइस है तो आपको स्मूथ पर खेलना है, एंड फिर लैग करता है तो एक ट्रिक बताऊँगा लास्ट में, वीडियो देखना। एंड अगर आपका अच्छा खासा डिवाइस है, आपका अच्छा चलता है, तो आपको स्टैंडर्ड अल्ट्रा पर खेल सकते हो। अब क्या क्या करना है क्या नहीं करना वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप अल्ट्रा पर खेलते हो, आपका 3 GB 2 GB रैम है एंड थोड़ा बहुत लैग करता है, हेडशॉट नहीं लगते हैं, तो गाइज आपको क्या करना है, स्मूथ पर आ जाना है। स्मूथ पर भले ही गाइज मतलब आपका जो बोले तो क्वालिटी ख़राब होगी, जो मतलब फीचर्स वगैरह अच्छे नहीं होंगे, ग्राफिक अच्छा नहीं होगा, लेकिन गाइज जितना स्मूथ में वन टैप लगते हैं उतना अल्ट्रा में नहीं लगते हैं, एक थोड़ा मोटा लेकिन अगर मोबाइल होता है आपका तो ठीक है। तो गाइज आपको क्या करना, अगर आपका 4 GB रैम का भी मोबाइल है लेकिन थोड़ा बहुत लैग करता है, आपके वन टैप नहीं लगते हैं, या फिर आपका 3 GB मोबाइल का है रैम का मोबाइल है आपके वन टैप नहीं लगते, तो एक बार गाइज आप स्मूथ में जाकर ट्राई करो, एंड फिर अगर आपके वन टैप नहीं लगते तो मुझे बोलना। लेकिन इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो फॉलो करनी होगी आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्या है टिप्स एंड ट्रिक वो मैं स्टार्ट मतलब बता देता हूँ आपको। पहली बात तो बता देता हूँ कि जब आप वन टैप मार रहे हो, ठीक है, तो आपका ध्यान गेम में होना चाहिए। लाइक कि जैसे कि ट्रेनिंग बोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे बंदे आ जाते हैं, ठीक है, ध्यान गेम में मतलब बहुत सारे बंदे आते हैं, तो क्या करते हो ट्रेनिंग मोड में, आप मतलब अटैचमेंट वगैरह सारी गन का लेकर जाते हो, जिसकी वजह से ऑब्वियसली गाइस हेड तो लगना है ही, ठीक है। एंड उसी चीज़ को जब आप रैंक में ट्राई करते हो, ठीक है, तो रैंक में अटैचमेंट उतना होता नहीं है आपके पास, ठीक है, तो उसकी वजह से गाइस आपके हेडशॉट नहीं लगते, बहुत ही कम लगते हैं। तो पहली बात, जब आप ट्रेनिंग मोड खेलने जाओ तो आपको अटैचमेंट बहुत कम लेकर जाना, यानी कि अटैचमेंट लेना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, जब आप वन टैप मारते हो तो पता है गाइस रैंक में आपके वन टैप इसलिए नहीं लगते, एंड कहीं पर भी इसलिए नहीं लगते क्योंकि ट्रेनिंग बोर्ड में आपके लगते तो हैं लेकिन बहुत कम। ट्रेनिंग बोर्ड में इसलिए लगते हैं क्योंकि ट्रेनिंग बोर्ड में 20 बंदे आते हैं टोटल, 20 में से अब आपके सामने जितने भी बंदे आते हैं, जो सामने आता है उसको आप मार देते हो, एंड तुक्के से उसको हेड लग जाता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर देखो कि मैंने इसको मारा, हेड लगा लेकिन मराने कोई दिक्कत नहीं, इसका हेलमेट था इसलिए। लेकिन गाइस रैंक में क्या होता है कि एक ही बंदा सामने होता है, उसके ऊपर हमारा ध्यान होता है लेकिन उसको हम मार नहीं पाते, क्योंकि वो एकदम रैंडमली हमारे सामने तो आ जाता है लेकिन उसको हम मार नहीं पाते, क्योंकि मार इसीलिए नहीं पाते बिकॉज ऑफ गाइस आप समझ रहे हो कि वो एक ही बंदा होता है लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड 20 बंदे होते हैं और जो सामने आता है उसको हम मारते हैं, ठीक है। तो हर किसी को ट्रेनिंग में हेड नहीं लगता, जिस बंदे के हेडशॉट नहीं लगता है उसके हर किसी को ट्रेनिंग में हेडशॉट नहीं लगता है, ठीक है। बहुत कम लोगों के एवरी शॉट हेडशॉट लगता है, तो मेरी भी गाइस नहीं लगता है, लेकिन मैं मारता हूँ, वन टैप मारना आता है मुझे, ठीक है।
तो अभी बात करते हैं गाइस वन टैप कैसे मारना है। तो सबसे पहले ट्रिक है वन टैप कैसे मारना है, अपने फायर ब्रांड को रोटेट करके ऊपर खींचना है। आपको पता होगा गाइस इसके बारे में सब कुछ, ठीक है। अगर पता नहीं है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हो, या फिर लिंक नहीं दूंगा तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वन टैप जैसे ही आप मारते हो गन स्विच करना है मिली वेपन से, ठीक है, एंड तुरंत आपको स्प्रिंटिंग कर देना है, जिससे कि आपको मूवमेंट मिलता है। मूवमेंट मिलता है तो आप अच्छे खासे मतलब और भी वन टैप मार पाते हैं, एंड आपको मोटिवेशन मिलता है एक तरह से। जब आपको अच्छा मूवमेंट मिलता है तो मोटिवेशन भी मिलता है गाइस, ये मैं फेंक नहीं रहा हूँ, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। जब गाइस मेरी लेवल 20 या 30 थी, तब मेरे को मतलब एक एनिमी को मारने के लिए भाई साहब मतलब इतना डर होता था कि अब तो मैं गया। तो वो डर को दूर करो, दूसरी बात ये है कि आप अपने डर को दूर करोगे, आप मैं मार नहीं पाता हूँ, मैं नूबड़ा हूँ, उसको दूर करो, एंड कॉन्फिडेंट लाओ अपने अंदर। कॉन्फिडेंट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करने की रेगुलर खेलना पड़ेगा आपको। फिर अगर वन टैप नहीं लगते हैं तो आकर आप हमारे वीडियोस में कमेंट करो, आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो, एंड जब भी आपकी कोई डाउट होता है तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, मैं आपको पर्सनली वहाँ पर रिप्लाई करूँगा आपको खुद को, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में पटेल भाई पटेल _04 के नाम से है, ठीक है, तो आप जाकर फॉलो कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं गाइस कि वन टैप मारने के लिए क्या चाहिए आपको। तो वन टैप मारने के लिए क्या चाहिए, अगर आपके पास लो डिवाइस है तो स्मूथ में खेलो। अगर आपका थोड़ा बहुत स्मूथ में लैग करता है तो गाइस लैग पर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है गेम प्ले पर। तो लैग के ऊपर भी मैंने वीडियो लाया है कि कैसे आप अपने लैग को फिक्स कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी खुद लैग मतलब लो डिवाइस से खेल चुका हूँ, मुझे खुद पता है गाइस कि कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना मतलब फेस करना पड़ता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो मैंने वीडियो डाला वो आप देख सकते हो कि लैग को कैसे दूर करें। अगर आपका लैग भी करता है एंड वन टैप नहीं लगते तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको क्या करना है। अगर आपका मतलब स्मूथ पर खेलो, स्मूथ में खेलने से आपका ग्राफिक कम होगा, लेकिन डेफिनेटली गाइस आपका हेड शोर रेट बढ़ जाएगा, मैं डैम श्योर आपको बोल रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो एक बार इन चीज़ों को ट्राई कर देना, एंड हेड शोर मारने के लिए और कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपकी स्किल माइंड सेट ज़रूरी है, दूसरी बात प्रैक्टिस, एंड आप अगर आपका लैग करता है तो लो डिवाइस में खेलो, स्मूथ पर मतलब सॉरी लो डिवाइस में नहीं स्मूथ पर खेलो, डेफिनेटली आपका हेडशॉट लगेगा। एंड मेन एंड लास्ट चीज़ है हमारी फायर बटन की साइज, ये गाइस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। काफ़ी बंदे क्या करते हैं, बहुत छोटे रखते हैं साइज़ फायर बटन की, कि हम लोग MP40 से हेड आसानी से मार पाते हैं, लेकिन गाइस वो एक तरह से गलत है। बिकॉज ऑफ जब आप वन टैप मारने जाते हो शॉट गन से, तो कई बार क्या होता है आप मतलब वन टैप मारते हो लेकिन वो शॉट निकलता ही नहीं, एंड छोटा फायर बटन होने के कारण मतलब आपका हेडशॉट जैसे कि दो गोली लगती है लेकिन पूरा एनिमी नहीं मरता है। इसलिए गाइस फायर बटन का साइज़ आपको 60% रखना है, लगभग 60 के आसपास रख सकते हो। मेरा भी 57 है, ठीक है, तो मैं 60, 57, 64 इतना करता रहता हूँ मैं। तो फायर बटन का साइज़ एकदम छोटा भी नहीं करना है, एंड बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना रखना है। एंड बस आपका बस एकदम मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर टच करना है वन टैप मारने के लिए। तो जो आपको फायर बटन एकदम बीच में दिख रहा है वहाँ पर आपको नीचे खींच के ऊपर खींचना है, आपका इजीली गाइस हेडशॉट लग जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इंजॉय कीजिए लास्ट के पार्ट्स को, एंड बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल गाइस।